हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे सबसे इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी ड्राई मिक्स वेज, और वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो ऐसी और सिंपल और इजी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ड्राई मिक्स वेज बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1/3 कप सरसों का तेल डालेंगे। आप सरसों के तेल की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए धुआं निकलने तक, क्योंकि सरसों के तेल में एक कच्चेपन की स्मेल आती है, तो अच्छे से गर्म करने से वो निकल जाएगी। तो फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे 1/8 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 लौंग और 1 तेज़पत्ता। हल्का 10 सेकंड सॉटे करेंगे और डालेंगे फूल गोभी। 1/2 kg फूल गोभी को कट करके वॉश करके यूज़ करेंगे। इसी के साथ डालेंगे 1 कप लंबाई में कटी हुई बीन्स, 1 कप स्मॉल डाइस में कटी हुई गाजर, 1 कप आलू डाइस कट और 1/2 कप मटर। ये फ्रोज़न मटर है, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। वैसे मटर अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो 1 कप भी डाल सकते हैं। और अब मीडियम हाई फ्लेम पर सब्जियों को 4 से 5 मिनट सॉटे करेंगे। गोभी में इस तरह से कट लगा दें, इससे सारे मसाले इसमें चले जाएंगे और गोभी को गलने में टाइम कम लगेगा। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब फ्लेम फिर से लो करेंगे और डालेंगे 1.5 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून फुल भरकर धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून फुल भरकर सब्जी मसाला यानी किचन किंग मसाला। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब डालेंगे 1/4 टीस्पून गर्म मसाला। और अब सब्जी के साथ मसालों को 1 से 1.5 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। तो 1 मिनट हो गया है और अब डालेंगे 1/2 कप गर्म पानी, मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर आलू और गोभी के गलने तक या 5 से 6 मिनट पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, ओपन करते हैं। गोभी गल गई है। अगर आपकी सब्जी नहीं गली है, अपने हिसाब से कुछ देर और लो फ्लेम पर रहने दें। तो इसमें हल्का हल्का पानी है, उसे भी हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे। और अब डालेंगे 200 ग्राम पनीर, स्मॉल स्क्वायर में कट करके डालेंगे। इसी के साथ डालेंगे 1/2 कप शिमला मिर्च, स्क्वायर में कट करके डालें, और डालेंगे 1/2 कप बिना बीज के टमाटर, मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसी टाइम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं और ढककर 2 मिनट रखेंगे ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो 2 मिनट हो गए हैं, ओपन करते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पनीर ने पानी छोड़ दिया है तो उसे भी ड्राई कर लें। तो हमारी क्विक बिना लहसुन प्याज की टेस्टी मिक्स वेज सब्जी बनकर तैयार है। तो ट्राई करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।